हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी मुख्यमंत्री। गेहूं के समर्थन मूल्य में 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने और प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों का मुआवजा 25,000 प्रति एकड़ दिए जाने की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा शाखा ने धरना दिया। पंचकुला जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर इन कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते प्रतिवर्ष पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। आदमी का तो धर्म होता है कर्म करना, उसका फल तो ऊपर वाले ने देना है, मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आज तक का जो आंदोलन रहा है वो बड़ा सफल आंदोलन है और सरकार के गले की फांस बना हुआ है। सरकार को मजबूरी में हमें अनशन से उठा के लाना पड़ा, पीजीआई में दाखिल करवाना पड़ा। सरकार को ने जो है 336 किसानों को गिरफ्तार भी करके देख लिया, लेकिन एक दिन जेल में नहीं रख पाई, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। और अब 25 तारीख को फिर जो है वो रैली रखी हुई है पीपली में, और ये रैली जो है एक निर्णायक रैली होगी और एक इसमें जो है अंतिम निर्णय सरकार के विरुद्ध लिया जाएगा। और अगर सरकार 25 तारीख तक नहीं चेतती है तो इस सरकार का भी वो असर होने वाला है जो पिछली सरकारों का हुआ है। और हुड्डा जो है इस बात से, इस आंदोलन से ये सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जब पड़ोसी स्टेट ज़्यादा रेट दे सकते हैं, जब हरियाणा का खर्चा ही 263 रुपये लागत से ज़्यादा है, इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी मुख्यमंत्री। जब वोडाफोन कंपनी का 12,000 करोड़ रुपया छोड़ा जा सकता है, जब कारपोरेट सेक्टर को 1,008 करोड़ रुपया रोजाना की राहत दी जा सकती है, जब बीमार कंपनियां बीमार फैक्ट्रियों का पैसा छोड़ा जा सकता है, जब इसी देश के कानून के अनुसार कोई कंपनी बैठ जाए तो बैंक उससे पैसा वसूल नहीं कर सकता, तो क्या इस देश के किसान जो इतनी बड़ी आबादी है, जो पूरे देश का पेट पाल रहा है, क्या उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं हो सकता पूरे देश में? 25 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान पिपली में जो रैली होगी, 25 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान उसमें हिस्सा लेंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की जो लड़ाई है उसका घोषणा, उसका निर्णय 25 तारीख की रैली में किया जाए। अभी 5 किसान रोहतक पीजीआई में दाखिल है, जिन्होंने 14 तारीख से लेके आज तक अन्न का दाना नहीं खाया है और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और 2 किसान सोनीपत में मिनी सचिवालय के आगे अनशन पे बैठे हुए। किसान यूनियन आगामी 25 जून तक सरकार के खिलाफ अपने धरने को जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।